आपका स्वागत है सत्यम टेक्निकल तैयारी में। आज हम देखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग। पिछली वीडियो में हमने कंप्रेशन मोल्डिंग देखी थी, उससे पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक देखा था। तो सबसे पहले देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का इंट्रोडक्शन पॉइंट्स में, ताकि इसे भी याद करने पढ़ने में और समझने में आसानी हो। फिर हम देखेंगे उसके मेन कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन। सबसे पहले देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग का इंट्रोडक्शन पॉइंट में। पहले इसके इंट्रोडक्शन का, इट इज़ सिमिलर टू प्रेशर डाई कास्टिंग, यानी कि प्रेशर डाई कास्टिंग की तरह ही सिमिलर होती है, यानी जिसकी वर्किंग है वो प्रेशर डाई कास्टिंग की तरह ही होती है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है, इंजेक्शन मोल्डिंग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज प्लास्टिक प्रोसेसिंग मेथड, यानी कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक बनाने के प्रोसेस में यूज होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड इन थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोप्लास्टिक में यूज़ होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हमारी कंप्रेशन यूज होती है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंजेक्शन मोल्डिंग का जो प्रेशर होता है वो यूजली 70 मेगा पास्कल से 200 मेगा पास्कल का होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं हाई प्रेशर होता है। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया, अब देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग के कंपोनेंट। तो मेन कंपोनेंट जो है इंजेक्शन मोल्डिंग के वो हैं बेड, स्टेशनरी प्लेटन, नोजल, सिलेंडर फॉर स्क्रू रैम, फीड हॉपर, हीटर, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, नॉन रिटर्न वॉल, मूवेबल प्लेटन, मोल्ड और क्लैंपिंग सिलेंडर। आपको भले ही ज़्यादा लग रहे हो, लेकिन हम इन्हें इस तरह से समझेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, ये मैंने ऐसे लिखे हैं कि डायग्राम बनाने में आसानी है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इंजेक्शन मोल्डिंग का जो असली डायग्राम है वो कुछ ऐसा है। अब देखते हैं कि वह डायग्राम बनाते कैसे। तो बनाने से पहले बात जान लें कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग है या कंस्ट्रक्शन है वो दो यूनिट में डिवाइड है, एक इंजेक्शन यूनिट, दूसरी क्लैंपिंग यूनिट। तो देखते हैं बन कैसे रहा है। तो देखते हैं, पहले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। तो यहाँ सबसे पहले एक जगह होगी, कोई भी प्लेन एरिया, ज़मीन, सरफेस, जिसमें मशीन स्टेबल है, सेटअप है। तो हमने देखा था पहले ही इसकी दो यूनिट में डिवाइड होती हैं, एक इंजेक्शन मोल्डिंग, दूसरी क्लैंपिंग मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग वो यूनिट है जो इंजेक्ट करेगी, क्लैंपिंग यूनिट वो यूनिट है जो क्लैंप करेगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो क्लैंपिंग यूनिट, और ये वाला एरिया इंजेक्शन यूनिट। इसके ऊपर सबसे पहले जैसे हमने देखा था तो बेड था, स्टेशनरी प्लेटन, नोजल, ये सारे थे। तो हम सबसे पहले बनाएंगे इस पर बेड। तो इस पर बेड बना है यहाँ से यहाँ तक, ये बन गया बेड। अब सेकंड था हमारा स्टेशनरी प्लेटन, तो फिर ये बिल्कुल इसके ऊपर, ताकि आपको आसानी से याद रहे, ये हमने कॉलम बनाया है जो कि स्टेशनरी है। तो इस कॉलम का नाम होगा स्टेशनरी प्लेटन या स्टेशनरी प्लेट। फिर थर्ड था नोजल, तो नोजल बनाएंगे हम इसमें, तो नोजल इंजेक्ट करने का काम करेगी, तो नोजल आधी पार होएगी, तो ये हमारी नोजल। अब क्या था, सिलेंडर फॉर स्क्रू रैम, फीड होपर एंड हीटर। तो वो इतना देख, ये नोजल से डायरेक्शन जारी होगी पीछे तक, ये यहाँ पर जो एक सिलेंडर लग रहा है, इस सिलेंडर को बोलते हैं सिलेंडर फॉर स्क्रू रैम। यहाँ से ऊपर जाएगी, हमने देखा था फीड होपर, तो फीड होपर बनेगा यहाँ, जिसमें होप करेगा, ये यहाँ से आएगी और जाके इससे मिल जाएगी। अब इसका थोड़ा सा हम सेक्शनिंग कर रहे हैं, तो हम इसे 3D में ले आएंगे। ये कटिंग पोर्शन दिखाया गया इसे, यहाँ से तो ऐसे हैचिंग कर देते हैं, सेक्शनिंग,
सेक्शनिंग होंगी। अब जरा एक बार नाम लिख देते हैं। ये था हमारा फीड होपर जहाँ से चार्ज एंटर करेगा, चार्ज एंटर करेगा। यहाँ सिलेंडर, नोजल, ये नोजल है। अब आगे हीटर, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, नॉन रिटर्न वॉल्व। तो यहाँ पर लगे होंगे ऊपर हीटर जो कि चार्ज को मेल्ट करने का काम करेंगे। तो ये क्या है, ये हैं हीटर्स। ये क्या है, ये हैं हीटर्स। अब सिलेंडर है स्क्रू रैम के लिए, तो यहाँ एक स्क्रू लगा होगा जो कि होगा हमारा रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू। स्क्रू है तो थोड़ा हम इस पर थ्रेड्स बनाएंगे। और यहाँ कनेक्ट होएगी डिवाइस से बोलेंगे हम मोटर। तो क्या होएगा, यहाँ इसके आगे लगा होता है एक नॉन रिटर्न वॉल्व, सिंपल बोलते हैं नॉन रिटर्न वॉल्व। तो बेड हो गया, स्टेशनरी प्लेट, नोजल, सिलेंडर, फीड ओपर, हीटर, रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू, नॉन रिटर्न वॉल्व। अब तीन रह गए, मूवेबल प्लेट, मोल्ड और क्लैंपिंग सिलेंडर। ये हमारा मूवेबल प्लेट, ये मूवेबल प्लेट जो कि पीछे एक सिलेंडर से कनेक्ट है। ये सिलेंडर से पुश और पुल करने का काम करता है। यहाँ पर ये एक कैविटी है जैसी हमें फॉर्म चाहिए मोल्ड की, और ये मोल्ड है। ये इसके बीच में खोलो कैविटी है। अब सबसे पहले क्या होएगा, फीडर में से चार्ज एंटर करेगा। जब चार्ज एंटर करेगा तो यहाँ पर ये हीटर की मदद से पिघल के यहाँ तक पूरे में भर जाएगा, पूरे में। फिर मोटर की वजह से रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू घूमेंगे, घूमने से ये आगे फोर्स लगाएंगे और ये चार्ज इसे आगे भेज देंगे। और ये चार्ज हमारा इतने हिस्सों में आगे भर गया। अब सिलेंडर क्या करेगा, इस स्क्रू को रैम की तरह आगे को पुश करेगा। ये पुश करेगा तो सारा का सारा चार्ज इस नोजल से, क्योंकि यहाँ नॉन रिटर्न वॉल्व लग रहा है तो पीछे नहीं जा सकते। उसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, नॉन रिटर्न वॉल्व, तो ऐसे पीछे नहीं जा सकते। तो फिर ये हाईली प्रेशर से नोजल से यहाँ पर जो ये हमारी होलो कैविटी है इसमें आके भर जाएगा। और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो हमें प्रोडक्ट की शेप मिल जाएगी। इसका जो प्रेशर होता है वो होता है हमारा 70 मेगापास्कल से 200 मेगापास्कल। वो इसी वजह से होता है क्योंकि नॉन रिटर्न वॉल्व लगा होता है और जो हाईली पुश करता है तो नोजल से अंदर भर जाता है। जब हम सिलेंडर से इसे पुल करेंगे, मूवेबल प्लेट पीछे हो जाएगी, हमारा जो पीस निकल के आएगा वो उसकी शेप कुछ ऐसे होगी। इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा इंजेक्शन मोल्ड। पेपर में सीधा सीधा नंबर आता है, 10 नंबर में इंजेक्शन मोल्ड डायग्राम, उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखनी है। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन, तो क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो इसकी एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज टू क्रिएट मैनी थिंग्स सच एज वायर, स्पूल्स, बोतल कैप, पैकेजिंग एक्सेट्रा। इट इज आइडियल फॉर प्रोड्यूसिंग हाई वॉल्यूम ऑफ द सेम प्रोडक्ट, यानी कि ये बोतल की कैप, पैकेजिंग, वायर, स्पूल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये एक ही प्रोडक्ट को लार्ज वॉल्यूम में कन्वर्ट कर, मतलब बनाने के लिए यूज होता है। तो आज इंजेक्शन मोल्डिंग का इंट्रोडक्शन, कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क की एप्लीकेशन देखी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। मेरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना। धन्यवाद, अपना प्यार बनाए रखें।